जी मेरे साथ मौजूद हैं नादिया खान, मरीना खान और रुबीना अशरफ जी। कैसी हैं आप? वैसी ही। I did not change, not even a clothes. मुझे तो लग रहा था कि मन्नत मुराद की फैमिली की खई हो जाएगी, बट दे वर ओके, हैप्पी एंडिंग इन द एंड। सबने एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, मैंने लगा था माँ ने तो खई कर देनी है। मतलब 32 एपिसोड लगी लड़के को बोलने के लिए, मतलब 32 एपिसोड पे आप ले आए कि वो अब एक दफा, और उसने एक दफा बोला सब ठीक हो गया। हाँ, ये कैसे कि जब वो कहती थी मैं मर जाऊंगी तो फिर एंड में उसने कैसे कह दिया? लेकिन अच्छे सारे सवालों के जवाब तलाश करते हैं। जी, हम बात करें ड्रामा से मन्नत मुराद की, और ओवर टू यू रुबीना जी, और ये आपका टाइमर जी लगा दे। और छोटा होता तो अच्छा था, 5 मिनट ज्यादा ही लगे, हम शेयर कर लेंगे थोड़ा थोड़ा। हाँ, एक्चुअली मैं मन्नत मुराद देख रही थी, इसके अलावा भी कि हमने रिव्यू करना छोड़ दिया था कुछ अरसे से, क्योंकि हम यही देख रहे थे कि कहानी कहीं जा नहीं रही। बट फिर भी जब जब हम रिव्यू करते थे, मैंने पिछली देखी होती थी, क्योंकि मुझे एंटरटेन करता था ये प्ले, इरीटेट भी करता था कि लड़का क्यों, लड़के को क्यों समझ नहीं आ रही। बट चूँकि डायरेक्टर फिर भी एक सेंसिबल आदमी था इसका, सो बहुत आउट ऑफ हैंड नहीं गई चीज़ें। तो जब आखिरी दो हमें मिली हैं करने के लिए रिव्यू, एंड आई सॉ द टू, और मैंने वैसे भी देखी हुई थी, तो मुझे लगा कि आई लव द लास्ट एपिसोड। ठीक है, उससे पहले जो भी हो रहा था हमें पता नहीं था कहाँ जा रहे हैं ये दोनों, ऐसे घूमते रहेंगे। मन्नत मुराद बहुत देर तक एक ऑर्बिट में घूमता रहा कि हमें रास्ता ढूंढ रहा था कि करना क्या है, वो थोड़ी सी ज्यादती थी। बट जब कंक्लूजन हो गया, मॉरल ऑफ द स्टोरी आ गया, जो कि ये था कि लोग बदलते नहीं हैं, फिर कहा भी दोस्त का जुमला भी यही था कि लोग बदलते नहीं हैं, आपको उनके हिसाब से, जस्ट अलाउ मी टू रीड द एग्जैक्ट लाइन है ना, किसी दूसरे को अपने जैसा बनाने के बजाय उसके फ्लॉज के साथ उसको एक्सेप्ट ना करो, कर लेना चाहिए समथिंग टू सी। सो देयर वाज अ मॉरल ऑफ द स्टोरी, एंड आई एम थिंकिंग ये इस सिचुएशन में ये लड़का कंफ्यूज लड़का है, जो मैं कहती हूँ ना, नॉर्मली बॉयज आर लाइक दिस, हमने ऐसे ही बनाए हैं। आई एम सॉरी, आप पता नहीं तुम कैसे हो, इसका मियाँ कैसा है, उसका कैसा है, बट आई नो, बट मोस्ट ऑफ द बॉयज आर कन्फ्यूज। वो आते हैं बहुत खुशी खुशी इस रिलेशनशिप में, मगर जब वो हार्डशिप्स ऑफ द रिलेशनशिप आती हैं उनकी तरफ, जो कि आएंगी शादी के बाद, तो वो बिल्कुल उनकी फुटिंग नहीं रहती, उनको पता नहीं चलता, वो झूठ भी बोलेंगे माँ को खुश करने के लिए, माँ को कुछ कहेंगे बीवी को खुश करने के लिए। तो मुझे लगा कि ये, और जैसे आपकी मर्जी की सिचुएशन एक जैसी थी, कैसे ऐसे के वहाँ, यहाँ एक माँ थी जो बहुत खौफनाक थी, वहाँ एक मियाँ था। एक लड़की जब एक नए घर में गई है, तो कोई एक बंदा है उस घर में, वो उसका इमीडिएट हस्बैंड भी हो सकता है पहला, जो के जो उसको समझना है, यानी किसी भी एक पर्सनालिटी के साथ आपके फ्रिक्शन स्टार्ट हो, फ्रिक्शन है ना, और जो आपको आपको बसने नहीं दे रहा, जो आपको कंफ्यूज कर रहा है, जो आप उस जिसके साथ आप बाइंड नहीं कर पा रहे हैं समहाउ। बट यहाँ ये अच्छी बात हुई कि जो राइटर था उसने हमें बहुत घुमाया और बहुत इरीटेट भी किया, लेकिन एंड में एक मॉरल ऑफ द स्टोरी दे दिया कि लोग नहीं बदलते बहुत ज्यादा, आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, और फिर उनको मॉरल स्टोरी तो मैं समझ आ गया, आ गया ना। मुझे सिर्फ एक चीज समझ नहीं आ रही थी, जो कि हमने जन्नत से आगे के ऊपर में भी बात बिल्कुल कि सब कुछ एकदम कैसे ठीक हो गया एंड में, हर चीज ही, आपके पास इतना टाइम था, जब हम कहते गोल गोल घूमे जा रहे हैं, आप उसमें इतने सारे आपके पास ट्रैक्स हैं, आप साथ साथ लेके चलते हैं, वो तुम्हारा पॉइंट बिल्कुल वही है कि गोल गोल घूमते रहे, तो आप उन ट्रैक्स को एंगेज कर लेते हैं, उनका थोड़ा थोड़ा स्टोरी चलाते रहते, तो सब कुछ एंड में जाके एकदम, दैट मस्ट हैव बीन रियली गुड स्टोरी टेलिंग, मगर वो नहीं थी, तभी तो इसको वो जगह नहीं मिली जो इसको मिलनी चाहिए थी, क्योंकि इसकी कास्ट बहुत बड़ी थी, इसका डायरेक्टर बहुत बड़ा था, इसमें वो सब आसानियां एलिमेंट्स सब थे जो के गुड कैरेक्टर्स, एग्जैक्टली, एंड गुड एक्टर्स, मगर जगह क्यों नहीं मिली, क्योंकि कहानी ने
कोई जगह पकड़ाई नहीं, वो गोल गोल घुमाती रही लोगों को। मगर आखिरी एपिसोड अच्छा था, आखिरी दोनों एपिसोड अच्छे थे, दोस्तों ने दोनों ने फ्लैशबैक बहुत थे, वो सही, हाँ वो सही है, दोस्तों ने मिला दिया, वो खुश खुश एक दूसरे को बहुत हद तक समझ गए। उसके बाद वो मोमेंट आया जब यू नो प्रेगनेंसी रिवील हो गई एंड क्वेश्चन मार्क, एंड दैट्स व्हेन द बॉय स्टूड अप। उसको शायद ऐसी ही कोई सिचुएशन चाहिए थी पहली दफ़ा अपने पैर पे खड़े होने के लिए, और शायद इसके बाद जब इतनी ग्रेव सिचुएशन आएगी तो वो खड़ा होगा, जब इतनी ग्रेव नहीं आएगी वो फिर बीवी को यूं छोड़ेगा। और ये हुआ आखिरी एपिसोड में कि वो यूं उतर रहे थे और उसने अम्मा को देखा और वो भाग गया और वो खड़ी रह गई, बट दिस टाइम शी काइंड ऑफ स्माइल्ड, शी सेड हाँ ये ऐसे ही रहेगा, इससे ज़्यादा ये नहीं बदलेगा, जब तक अम्मी है तब तक ऐसा ही रहेगा। सो आई वॉज थिंकिंग कि मेरा कन्फ्यूजन जैसे आपकी मर्जी में ये था कि भाई हम एक बात के ज़रिए एक मैसेज दे रहे हैं ना लड़कियों को, मैसेज तो दो कि ये सिचुएशन है, अब रिजॉल्व कैसे करना है। इस लड़की को मैसेज मिल गया, जैसे आपकी मर्जी वाली लड़की को नहीं दिया आपने, फिर भी वापस भेज दिया हम बगैर मैसेज के। सो मेरे लिए द लास्ट टू एपिसोड्स वर्क्ड, हैड अ मैसेज, उससे पहले भी ओके व्यूइंग थी, सो आई विल गिव इट अ वन वन फॉर मन्नत मुराद की सेकंड लास्ट एपिसोड के लिए। मरीना जी, सो मोस्टली फ्लैशबैक्स जैसे आपने कहा, विच इज इन वन वे इट्स नॉट अ बैड थिंग, स्पेशली अगर आप वाइंड अप की तरफ आ रहे हैं, यू कैन इवन स्टार्ट द फ्लैशबैक्स अर्लियर, उसमें आपको पता चलता है। आई फेल्ट टू मच टाइम वॉज गिवन टू अली एंड हिज बॉस, सीरियसली बिना वजह, और बेचारे अली को दोनों जगह पे यही सिचुएशन मिली है। एग्जैक्टली एक बॉस जो कि इस पोजीशन में है कि वो उसको जैसे आपकी मर्जी में भी। सो दिस वाज अ बॉस विद अ मी टू मूवमेंट, आई मीन दिस वाज अ फुल मी टू थिंग, बिकॉज़ शी वाज ब्लैकमेलिंग हिम इन वन वे। नाउ द बॉस पहले तो वो कह रहा है कि आ रही हो तो क्या, अच्छा कितनी देर के लिए आ रही हो, तुमको फौरन चले, हाँ नहीं, और एंड में जब वो यू टर्न, हाँ कहते हैं हाँ फैमिली को मुझसे बेहतर कौन जाने, so I felt that that was too much emphasis, because those are very long scenes, even in the car when the wife comes, very long scene. ये वही थी ना जो मुझे प्यार हुआ था, जी जी जी, और फिर अभी भी एंजेलिन मलिक की जो मैं उनकी दूसरी बीवी नकली, हाँ सेम गर्ल जो जिसको बीवी बना के ले आई आयरा, हाँ and she's been in, she's now the same person. Now she's you see her in a lot of dramas. So I felt too much emphasis was given there because ab wind up pe aa raha hai, lekin because I think as you said there was no writing, so there was really nothing in the wind up of the two main characters that you could you know spend more time on them, except I think in the end they brought the pregnancy part of haan, it second last mein usme aap le aaye the, as Rubina said the last episode was nice now that she's come home or whatever thing was happening. Also when she runs away, because when she realizes ke ye to kuch nahi bolega aur upar jaake ro rahi hai, kehti hai wo hai hi aisa, wo kuch nahi kahega, wo kuch, that was also a good moment. I loved Uzma's reaction to the pregnancy. I think she really did a very good job there. I'll give it this but one thing. Okay, Mannat Murad jab drama shuru hua to 17 million logon ne iski pehli kis dekhi, उसके बाद ये ड्रॉप होते होते 7 मिलियन पे आया। हाँ जो कैरेक्टर अच्छा लगा जिसकी वजह से ड्रामा देखा गया इन्हीं 7 मिलियन लोगों ने, वो इस तरह से तो कैरेक्टर इस ड्रामे में सिर्फ एक था, और कोई भी कैरेक्टर ऐसा नहीं था कि जिससे प्यार हो, जो आपको अच्छा लगे, जिसकी कहानी आप आगे देखना चाहें। एंडिंग थैंक गॉड, क्योंकि बहुत अच्छा हमने एक ड्रामा देखा, बहुत अच्छा एपिसोड था, देयर वाज अ पॉजिटिव मैसेज, अच्छा था। लेकिन ये नहीं हो सकता कि सारे खानदान की शादी एक ही घर में हो जाए, छोटी बहन का भी मूड था कि ये मुझे लेके जाएंगे, मुझे हालांकि लोगों को नहीं पसंद आई ये बात, उनको लगा कि बहन को भी क्रिकेटर के साथ शादी करके, मतलब एक ही घर में सबकी शादी करनी, आई लव डेट के वो भाई ने कहा नो, अरे इधर आना जरा मैं मिलाता हूँ, मुझे वो इतना अच्छा लगा लोगों को। तो आप ये देखो कि हमारे लोग कितने ड्रामेटिक हैं, कितने फिल्मी, और कितनी उनकी एक सोच है कि नहीं इसकी भी शादी वहीं होनी चाहिए थी, मतलब सारे खानदान की बरात वहीं से निकले, हाँ क्यों तीसरी भी। और मन्नत की तरफ से अच्छा मूव था, उसने कहा कि औरत मेरा शादी हमारी नेशनल स्पोर्ट्स है, ये है अच्छा क्रिकेट और शादी, मन्नत नहीं नहीं क्रिकेट भी नहीं शादी, क्रिकेट में फिर खवातीन को इंटरेस्ट नहीं होता, शादी में सबको होता है, बोलो। हाँ तो मन्नत की तरफ से बहुत स्मार्ट मूव कि ये औरत जो है इसरा गज़ल, ये अभी नहीं कल फिर ये कोई अटैक करेगी, इसकी बेटी ले आती हूँ अपने घर में,
भाई के साथ, ये स्मार्ट मूव था क्या? ये एक नोबल मूव नहीं था, एक स्मार्ट मूव था कि वट्टा सट्टा टू सेव माय मैरिज, शादी करा देती हूँ ताकि ये खातून अब चुप हो जाए, अब उसकी बेटी हमारे घर में। चलो जी, आई लव द एपिसोड, बिल्कुल सही, ये बहुत ये तुमने अच्छा सोचा ही मूव था दादी, बहुत अच्छा मूव था। की कोड़ी लाई है। हाँ मैं जी ना पूछे बहुत ये मतलब मैं सिर्फ लास्ट एपिसोड की बात कर रही हूँ। हाँ अच्छा जी, नादिया अख्तर, नादिया अख्तर ने बहुत घुमाया हमें, घूमती रही नादिया अख्तर, हमारे लास्ट सिटी विनर है बाय द वे। कौन सा वाला? बख्तावर से। इन्होंने आखिरी एपिसोड में हमें एटलीस्ट, क्योंकि हम आखिरी एपिसोड वैसे ही बनाना नीचे ले जाते हैं, ये हमारा ट्रेट है एज एज ड्रामा नहीं, मुझे ये था कि वो जो क्रिकेटर लड़का था और उसकी जो बहन थी उनका भी कोई बिल्टअप दिखाते, तब मना और तो समझ आती कभी नहीं हो रहा, नहीं या जरूरी था उसमें कभी, तो बहुत अच्छा गया। हाँ नहीं, अच्छा। दूसरा वाला जो ट्रैक था जो कि नूर हसन का था और जो बड़ी बहन था उसका करते, उनका तो कुछ होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये तो बहुत ही अच्छा था कि उनको नहीं पेयर किया, क्योंकि वो तो वो लड़का था जो इस घर में आके 10 दफा बेइज्जती भी करा के चला गया हुआ है ना माँ से, कि चाय पीते हो हम तो, जब वो चाय पी रहा था और वो कह रही थी कि हम तो अपनी बेटी के घर जाके चाय भी नहीं पीते, वो वापस रख देता है, तो वो तो नहीं हो सकता था कि इस घर की लड़की पे फ्लिप हो जाए, वो बहुत इंसैनिटी होती। दिस वॉज अ मैच मेड बाय मन्नत, बिकॉज शी न्यू कि ये वाली लड़की ठीक है, ये उस घर में जाएगी तो इसके सारे इश्यूज सॉर्ट आउट हो जाएंगे, एंड देन आई हैव अ भाभी देयर हू सेन। सो आई थिंक यही ठीक था, और एंड के लिए एक सस्पेंसफुल मोमेंट उन्होंने बनाया जब तक कि वो दोनों नहीं रिवील हुए, वो मजे का था। सो आई थिंक इट्स लास्ट टू एपिसोड्स वाज अ गुड जॉब। सिक्स महीना जी, द बेस्ट पार्ट अबाउट बोथ द एपिसोड वाज द गर्ल नॉट मैरिंग द क्रिकेटर, आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड टच। हैप्पी एंडिंग्स ऐसी नहीं होती, इतनी हैप्पी नहीं हो सकती, ऑल्दो उम्मीद थी कि शायद ये भी हो जाए। आई थिंक द बिगेस्ट फ्लॉ इन दिस इंटायर फ्लॉ ना कहें, बिगेस्ट ओवरसाइट इन द इंटायर सीरीज वॉज द बॉयज़ कैरेक्टर। आई थिंक इफ द बॉयज कैरेक्टर हैड सम कैरेक्टर हैड समथिंग, जो आखिर में वो फटा है उसका कोई फायदा नहीं हुआ। वी वर नॉट स्टैंडिंग अप इन सेइंग सही बात है, मीनिंग इट वॉज लाइक अबाउट टाइम यू इडियट, यू नो दैट वॉज द फीलिंग दैट वॉज कमिंग आउट, कि यू नीडेड टू से दिस अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो, सो देन मे बी द स्टोरी वुड हैव मूव्ड फॉरवर्ड। 32 एपिसोड कैसे होते हैं? हां 32 एपिसोड कैसे होते हैं? लेकिन जीसस, अगर शुरू में बोल देता, लेकिन अल्लाह खुदा के वास्ते, आई मीन आप कुछ तो करते ना, देयर शुड बी समथिंग, इट बिकम्स इरिटेटिंग, द कैरेक्टर बिकम्स इरिटेटिंग, पता नहीं, इट वॉज ऑफ नंबर्स, राइटिंग एंड नंबर्स। आखिरी था 5 ओके जॉब ना दिया। लास्ट में मुझे सिर्फ वो जो आखिरी सीन है जब वो बट्टा सट्टा जो हो रहा है, बस इट वाज अ, देयर वाज अ मोमेंट, अदरवाइज वो जो इवन ड्राइंग रूम का भी सीन चल रहा था, उसमें भी मुझे लगा कि मारना चाहिए था किसी को तो मारना चाहिए था उसमें, क्योंकि किसी की बहन को आप ऐसे बोल रहे हैं, फिर वो लड़का भी, जब लड़का भी बोल रहा है कि हाँ ये कर दो वो कर दो, बहुत बहुत गंदा सीन था, बहुत बुरा सीन था, दैट मेक्स यू फील बैड एंड गुस्सा, वही वाली बात है, गुस्सा पीक पे था, मतलब जिस लेवल की वो बात कर रही थी राइटर ने, जो भी कैरेक्टर बनाया था इस गजल का, कोई अच्छी फैमिली कभी एक मिनट भी अपनी बेटी को इस तरह की फैमिली में, दूसरे के घर पे आके आप उसकी बेटी, आप उसकी बहन को गाली दे रहे हैं, आपकी इतनी सी, इतना बड़ा इल्जाम आपने किसी पे लगा दिया। देखो और मैं सारी चीजें कर लेती हूँ, मैं कहती हूँ जब आप बच्चे के ऊपर अपनी बहू को कहते हैं कि बच्चे को साथ में ला के उस पर इल्जाम लगाए ना, ये बैन होना चाहिए टीवी में। अच्छा नंबर 4 आपके अवॉर्ड से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। यूट्यूब पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और यूट्यूब चैनल आपके सामने होगा, कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम
6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। और राइटिंग कैटेगरी में सबसे ज्यादा वोट इस दफा कास्ट किए हैं ऑडियंस ने 14,700 और नादिया अख्तर के हिस्से में आए हैं लास्ट और सेकंड लास्ट एपिसोड के लिए और ये पब्लिक का है। जी नहीं, इनके हिस्से में 441 0.3 मिले हैं, यानी 14,700 में से आपके हिस्से में सिर्फ 441 नंबर आए हैं। डायरेक्शन की बात करते हैं और क्या कमाल के डायरेक्टर हैं। अभी हमने खई में इनकी तस्करा किया था, अब मन्नत मुराद में आप इनको कैसा देखती हैं सैयद वजाहत हुसैन को? डायरेक्टर को स्क्रिप्ट चाहिए होता ना, किसी को भी स्क्रिप्ट चाहिए। और हमारा जो ये सारा हम लेके बैठे हुए हैं ना इस वक्त मसाइल, बेहतरीन 5 ड्रामे और उनमें मसला क्या है? स्क्रिप्ट। सो जब आप एक ऐसा स्क्रिप्ट दे देते हो एक डायरेक्टर को जो कि बहुत कैपेबल डायरेक्टर है, जो कि घूम रहा है सिर्फ और नहीं जा रहा कहीं, तो फिर डायरेक्टर के हाथ में बहुत कुछ नहीं होता। यही हुआ मन्नत मुराद में, ही डिड हिज बेस्ट, द शॉर्ट्स वर ब्यूटीफुल, द कॉम्पोजिशंस एज यू सीइंग इन खाई, वो यहाँ पे भी हैं, वहाँ तो खैर बहुत ही कोई एक्स्ट्रावेगेंट है बिकॉज द लोकेशंस भी हसीन हैं, एक्टर्स यहाँ भी बहुत अच्छे हैं, वहाँ भी बहुत अच्छे हैं, बट जिस चीज़ से मार खाए हैं यहाँ पे वो स्क्रिप्ट है। वजाहत का बहुत ज़्यादा कसूर नहीं है। मैं एक सीन पे तो बहुत ही खुश हुई जहाँ वो दोस्त और उसकी बीवी रिजॉल्व हो गई सिचुएशन और वो गोल गप्पे खा रहे हैं, वो बहुत प्यारा शॉट बनाया था वजाहत ने, बीच में से शॉट लिया है, इधर उन्होंने गोलगप्पे की प्लेट रखी हुई है, उसका भी मुंह इधर है, उसका भी और कैमरा पीछे है। दैट वाज वेरी इंटेलिजेंट शूटिंग, ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन। सो वजाहत ठीक था। एक जगह जहां मुझे लगा कि इससे बेहतर वजाहत कर सकता था, और मैं इसी स्क्रिप्ट में जहां जहां वजाहत आखिरी दो एपिसोड्स की बात कर रहे हैं बेहतर कर सकता था, वो जगह थी जहां मन्नत की फैमिली बैठी है, बुला लिया गया है मुराद की फैमिली को और अम्मी बोल रही हैं और बहन जो है वो बैठी है कि अच्छा ये तो प्रेग्नेंट, उनके हाथ में फाइल है अम्मी के। वहाँ पे जो बाकी सब लोग थे वो सिर्फ अम्मी को देख के और हैरान और सब हो रहे थे, जबकि उनको सिर्फ मुराद को देखना चाहिए था, क्योंकि अम्मी का तो कोई कसूर ही नहीं था ना इस सारे में। हम यही कह रहे हैं ना, हाँ, वो तो कि अगर मुराद इतना स्पाइनलेस ना होता तो अम्मी भी ऐसी ना होती, मुराद बेहतर होता तो अम्मी भी बेहतर होती। सो अब ये वो लोग थे जो इंटेलिजेंट हाउस होल्ड था, जिन्हें एग्जैक्टली पता है कि सिचुएशन क्या जा रही है, वो अपनी बेटी की वजह से फंसे हुए हैं, उन्हें पता भी चल गया कि ये रहना चाहते हैं इकट्ठे। आई स्टिल वुड गिव वजाहत मोर मार्क्स देन द राइटर। मुझे नहीं पता उसने कितना ही संभाला होगा अभी भी, बिकॉज यू नो ये तो करते हैं डायरेक्टर जो कि जिनको समझ बूझ होती है। सो आई विल गिव हिम अ 7 फॉर दिस। 7, वेरी गुड जॉब। मैना जी, वजाहत इज अ बिग डायरेक्टर, यू कांट जस्ट गिव हिम यू नो स्मॉल एक्टर्स। कोई भी डायरेक्टर पढ़े बगैर तो नहीं कर सकता। नहीं नहीं, नहीं पढ़ा, ना ना ना, यू हैव टू वर्क। देखिए हां, स्क्रिप्ट लिखा जाता है, डायरेक्टर फिर वर्क करता है ना, देयर इज हां मुझे लगता है कि द फोकस वाज ऑन खाई एंड दैट्स व्हाई वजाहत का प्रेजेंस फील नहीं हुआ हमें इस प्ले में। लेकिन आई थिंक जो शॉट्स हैं, द वे पीपल आर लुकिंग, कैरेक्टराइजेशन, वो सारी चीज़ें जो है, इट्स डन वेल, सो आईड से 6, गुड जॉब नादिया। देखिए सालों से हमारी औरत पे जुल्म होता आ रहा है, हमने ड्रामे में दिखाया, ठीक है जी, जुल्म भी हो रहा है, ज्यादती भी होती है, समझ आता है, लेकिन जो एक चीज़ नहीं होनी चाहिए ना, वो औरत की तजलील नहीं होनी चाहिए, जलील नहीं करना, और इस ड्रामे में वो हुआ है कि औरत को जलील किया है। मैं बिल्कुल नहीं मान सकती कि एक औरत के बच्चे को आप नाजायज़ कहें और उसके साथ वो फिर दोबारा जाके उस औरत के साथ रहेगी अपनी उस सास के साथ। नहीं, बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा, बहुत गंदी बात हुई, और उसके बाद मन्नत का वापस उस सास के साथ रहना नहीं बनता था, उस बेटे का अपनी माँ के साथ रहना नहीं बनता था। डिफरेंट होना चाहिए था, उसको निकलना चाहिए था उस घर से। बहुत ज़रूरी था कि मुराद माँ को छोड़ता ताकि माँ सीधी होती, और फिर कुछ महीने बाद दिखाते कि माँ ने
रियलाइज किया, एक्सक्यूज किया, क्योंकि देखिए बाकी तो बात सही है, नहीं पसंद ना पसंद, आप गाली नहीं बहू को दे सकते, आप उसके बच्चे को ना जायज उसके करेक्टर पे उंगली नहीं उठा सकते जो एग्जैक्टली उसके बाद माँ का अपॉलोजी बनती थी, कहाँ गई? कहीं नहीं। ये तो वैलिड पॉइंट है, आप अग्री हैं? नहीं नहीं, आई एग्री विद दैट। तो डायरेक्शन के नंबर फिर जितने लोएस्ट हैं कर लो, ठीक है मेरी तरफ से लगा दो, मेरे हिसाब से जीरो, दिस फील्स लाइक अ जीरो, लेकिन ये तो चार गुस्सा निकाल लेंगे। नहीं, डायरेक्टर का फॉल्ट, डायरेक्टर का ही फॉल्ट है, कैसे? क्योंकि मैं बताऊं, अच्छा नान खताई देंगे, नान एक नान खताई खाए बैठे, जल्दी से नान खताई ना कर दे, कुछ नहीं हो सकता, होएगा। राइटर कह दे नहीं नहीं ऐसे नहीं होएगा, डायरेक्टर अगर कह देना मैंने सीन नहीं करना, माइकल लाल नहीं करवा सकता उससे। अच्छा, तो सबसे बड़ी पावर डायरेक्टर, थोड़ा सा वो नान खताई खाएं थोड़ी सी, मेरी डायरेक्टर का ओनस आता है, मुंह मीठा करे थोड़ा सा, अच्छे नंबर पे। अच्छा नहीं लगता यार, हम लोग अभी किस दुनिया में रह रहे हैं, हम कहाँ रह रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमें अभी औरत को अपनी उठाना है, गिराना नहीं अपनी बच्चियों को, नहीं करानी, ऐसा नहीं करना, अपने चार नंबर, कोई जलील नहीं कर सकता हमारी पाकिस्तानी बच्ची, बहुत आगे चली गई है, वो समझदार है, वो इज्जत करती भी है, करवानी भी आती है उसको। She, if she can respect, then she deserves to be respected also. बड़ों से। अच्छा नंबर दे दे। जो मर्जी लगा दो, lowest. कुछ चीजों पर मैं stand लेती। चार थे तो चले चार हो गए। कुछ चीजों पर मैं stand लेती। किसी ने इस ड्रामे में stand नहीं लिया, मैं तो लूँगी। आपके वोट से नंबर वन बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। डायरेक्शन कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 14,300 हुए हैं और सैयद वजाहत हुसैन के हिस्से में ड्रामा सीरम अनंत मुराद से 429 3% बनते हैं, 0.3 मिले हैं इनको। तो जी अब बात हो जाए, आप किसको रेट करना चाहेंगे जी जजेस? इकरा अजीज स्लैश इरसा गजल हैं। आई थिंक इकरा। ओके। हाँ, बिकॉज इरसा को हमने अक्लेम भी किया है और कहा भी है बहुत अच्छा किया। एक्चुअली तो मेरा ख्याल है उज़्मा, बिकॉज उज़्मा ने इस इन एपिसोड्स में भी बड़ा अच्छा काम किया है, एंड शी इज सच अ फाइन एक्टर। बट हैविंग सेड दैट, जितनी भी फीमेल प्रोटैगनिस्ट थी, प्रोटैगनिस्ट या एंटैगनिस्ट मिला के, उनकी तरफ जो जो काम आया उन्होंने किया, बट वही बात है कि नादिया वाली के जो असल काम था कि किसी को स्टैंड लेना था उस सिचुएशन के लिए जो गलत थी और गलत मैसेज दे रही थी, वो नहीं लिया किसी ने भी, स्ट्रांगली नहीं लिया, हल्की हल्की बातें करती थी, बड़ी अकेले में बात होनी चाहिए थी, पब्लिक इधर नहीं, भाई के घर पे नहीं, नहीं एंड बदलने का स्टैंड। अच्छा हाँ, एज इन राइटिंग को चेंज करने का, आखिरी सीन में माँ का की अपोलॉजी का स्टैंड, वो शायद किसी ने इतना नहीं सोचा इसके बारे में, बिल्कुल हाँ, सेकंड टाइम लिखा नहीं गया था, हाँ माँ बदलती नहीं है, और एक्चुअली माँ नहीं बदलती, बट नादिया की मैं बिल्कुल एग्री कर रही हूँ इस बात से कि लोग नहीं बदलते, लेकिन जो नादिया कह रही है मैं उसके साथ भी एग्री करती हूँ कि लोग नहीं बदलते, मगर ये मैसेज नहीं देना, मैसेज ये देना है कि जहाँ लोग गलत हों वहाँ उनको अपनी गलती माननी है, और इतनी बुरी जगह पे किसी को ले जा के और आप अगली सीट पे जाके बैठ जाओ और फिर उसके बाद घर में भी कह दो मूना अच्छा हो तो बात अच्छी करते हैं, थोड़ा ऑफ तो था। सो खैर, हम तो अब एक्टिंग के मार्क्स दे रहे हैं, आई थिंक ऑल द वेमेन एक्टेड फाइन, उन्होंने अपनी अपनी जगह बहुत अच्छी निभाई हैं, सो आई थिंक अ सिक्स फॉर इकरा। इकरा मरीना जी, सो इकरा एज सच इन दीज लास्ट टू एपिसोड्स, अगेन लाइक आई सेड, देयर वर नो वाओ मोमेंट्स ऑफ, बट एज एन एक्टर देयर ऑल फाइन एक्टर्स, as a, you know, playing the character. But when I was watching jo flashbacks mein, there was a scene where wo Murad ko rok rahi hai ikra wo mannat ko lene ke liye, aur behan keh rahi hai unko jaane de, fir wo kehti my god this woman was so good, apna irsa, there was literally, main kehti hu ke jise kehte na venom, जहर, मीनिंग उनके फेस पे कि तुम ये करोगे, तुम यू नो यू कुड, आई कुड फील द वेनम इन हर फेस फॉर दैट गर्ल, एंड आई एम श्योर द गर्ल इज नॉट दैट, लेकिन ओफ माय गॉड शी डिड सच अ गुड जॉब, आई मीन लाइक आई जस्ट आई रीबाउंड दैट सीन, आई थिंक
at least 5 times just to, you know, the way wo apna muh chuba ke daanton ke, oh, she was very, very good. So I just had to mention that. As I said, there were no wow moments. I think if anyone takes the cake in acting in this serial, it's Irsa. If this serial was being watched, it was being watched because when I go and play golf, all my kiosk pe jo humare bhai hote hain aur hamare jo caddies hote hain, wo keh rahe hain, Vinod Murad, Murad. Maine kaha, usme kya dekh rahe hain? Kehte wo unki jo amma hai, unki jo amma hai. So you know, so if people are watching it because A, she was funny. And B, she was so good in her portrayal of that character. So I think 6 is a good number. आपने इकरा की तो बात की सारी आपने इकरा की. I know too. I told you there were no wow moments of इकरा. She लग रहा है कि आपने इरसा की तारीफ करने के बाद 6 नंबर दिए होंगे. नहीं नंबर इकरा की. No, before that I said that कोई wow moments नहीं थे. आपको wow moments आपको इरसा गजल साहिबा की लगी हैं लेकिन नंबर जो आप दे रही हैं इकरा को वो 6. हाँ इकरा की. ना दिया. Because there was nothing. Amazing. 4.5. And no comments. And no comments. Just because. And no comments. ठीक है आगे बढ़ें. ओके जी. आपके वोट से नंबर वन बन सकता है आपका फेवरेट स्टार. YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा. कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें. हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा. ऑडियंस की तरफ चलते हैं. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 11,000 हुए हैं और इकरा अजीज के हिस्से में आए हैं 11,000 में से 6% बनते हैं. 0.6 मिले हैं जो कि कम है. इकरा को शुरू से ज्यादा मिल रहे थे नंबर. हाँ और इसमें हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि हम कहें कि ये नहीं ये अच्छा कर रहा है. तलहा चाहूर. सैडली. ओके आई विल गिव हिम अ 6 आल्सो. आखिर वाला रोना और हाथ यूं करना अच्छा लगा मुझे. वो बिल्कुल सही जगह आया था. आंसू भी सही आए थे. सो दिस गाय हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. आई जस्ट विश ही गेट्स बेटर रोल्स. 6 मरीना जी. एक्टर एक्सीलेंट बट रोल and either bring variation or do something just because of just the role was just I couldn't लिखा हुआ ऐसे उसमें एक्टर ने तो जो वही करना है जो लिखा हुआ है तो कैरेक्टर ही नहीं अच्छा लग रहा ना. तो देखिए इवन इकरा इज अ मच बेटर एक्टर. आपको उस कैरेक्टर से मोहब्बत हो. इवन इकरा इज अ मच बेटर एक्टर देन 6 right. She we know that. We've seen that tha right bini. But the thing is that do something, you know. I feel that you know ab Faisal Qureshi bhi khoon jala raha hai lekin number liye na 9988 phir this one is just you know phir bhi convincing. I mean it's sad because the script and director let him down. It is a sad thing but I can't. I just can't. I'm sorry. 5 ओके जवाब ना दिया. मुराद के लिए 4 एंड नो कमेंट्स. ओके जी. आपके वोट से नंबर वन बन सकता है आपका फेवरेट स्टार. YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा. कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें. हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा. ओके जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 14,600 हुए हैं और मन्नत मुराद के मुराद यानी कि तलहा चाहूर को मिले हैं 438. 3% बनते हैं. 0.3 इनको भी मिले सबका वही. और ये सबसे लोएस्ट मार्क्स हैं जो 500 ड्रामों में जो ऑडियंस ने दिए हैं. तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद की सेकंड लास्ट और लास्ट एपिसोड का रिव्यू.